जिंदगी में स्कूल लाइफ की दुनिया और स्कूल टाइम का प्यार जीवन के किसी कोरे पन्ने जैसा होता है सा। और आज भी जब कोई स्कूल के दिनों को याद करता है तो उसकी दुनिया 180 डिग्री घूम जाती है। बड़े होने की जिद में छोटा होता हुआ बचपन ये कभी नहीं जान पाया कि बड़ा होना कितना निष्ठुर हो सकता है। कभी बचपन में जाना संभव होगा ही नहीं, उस समय क्या नहीं था, बेफिक्र बचपन में बेफिक्र बातें, अंग्रेजी और गिनतियों में संगीत और कविताओं के राइम्स में भावनाएं और संवेदनाएं। जब प्राइमरी से मीडियम में गए तब हमें पता चला कि रेखागणित नाम का भी एक विषय होता है जिसमें एक्स नाम का एक अलग ही संख्या एग्जिस्ट करता है, जिसे कभी मास्टर साहब गुणा जोड़ घटा करके एक्स को 2x और 4x कर देते थे। कभी कभी ये एक्स एक्स जुड़ भी जाता था और कभी ये एक्स और एक्स कट भी जाता था। तब हमें बस इतना नहीं पता था कि एक्स आगे चलकर हमारी जिंदगी में पीछा ही नहीं छोड़ेंगे। भाई फिर हमने जाना कि ज्योमेट्री बॉक्स भी होता है जो देखने में बड़ा स्टाइलिश लगता है, लेकिन उसको खरीदने के लिए हमारे पापा के पैसे कम पड़ जाते थे। लेकिन हाँ, बात जब बिंदु रेखा त्रिभुज चतुर्भुज की आई तो पापा को एक दिन वो स्टाइलिश बॉक्स खरीदना ही पड़ा। ये जो बचपन में पेंटिंग और ड्राइंग वाला टैलेंट था वो तब हर सब्जेक्ट के किताबों और कॉपियों के पन्नों पर उभर जाता था। टैलेंट था मजदार, लेकिन हमारे पापा को इस टैलेंट से भी कुछ खास लगाव था नहीं। उनको जब भी एक बढ़िया रीजन मिलता वो बहुत प्यार से कुटाई कर देते थे। वो कहते कि ये इंग्लिश वाले पेपर पे इंग्लिश वाली मैडम का चेहरा क्यों बनाया है, ये लड़की का फोटो क्यों बनाया है। अब शरारत चाहे जैसी भी हो बट मोहब्बत भी बहुत करते थे पापा हमसे। खैर देखिए, टैलेंट का क्या है, टैलेंट तो दरिया की तरह रास्ता बना ही लेता है। तब क्या है कि जिंदगी एक्टिव से पैसिव हो रही थी, चीजें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हो रही थी। तभी अचानक एक दिन गुरुजी ने कहा कि पृथ्वी गोल है, लेकिन हमने नहीं माना क्योंकि हम जहां पढ़ रहे थे वो तो चपटी थी। तब अगले दिन गुरुजी ने कहा कि पृथ्वी घूमती भी है, तब चीजें हद से ज्यादा बढ़ गई, मैंने नहीं माना। अब बताइए आप, अगर धरती घूमती तो सरजी भी घूमते, सरजी घूमते सरजी का ब्लैक बोर्ड भी घूमता, घूमता ना जी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं कभी, और हद तो तब हो गई जब एक दिन गुरुजी ने कहा कि सूर्य नहीं घूमता है, पृथ्वी घूमती है, और पृथ्वी के ही घूमने से दिन रात होता है, सूर्य वही रहता है। तब हमने जाना कि थ्योरेटिकल लाइफ से कहीं ज्यादा मुश्किल है प्रैक्टिकल लाइफ। हाँ एक और बात, हम लोग के जमाने में पढ़ाई के दौरान याद कराने के लिए बहुत पिटाई लगता था, क्योंकि ना तो उस समय कोई ऐसा टेक्निक था और ना ही गुरुजी का कोई ट्रेनिंग जिससे आसानी से याद हो जाए। उनका तो बस एक ही टेक्निक था, रट्टाफिकेशन। रट्टाफिकेशन से याद कराओ और ना याद हो तो पिटाई लगाओ। लेकिन अब के बच्चों का पढ़ाई आसान हो गया है क्योंकि अब तो कई ऐसे टेक्निक्स है, कई ऐसे कोर्सेज जैसे क्राइट एडुकेशन का मेमोरी टेक्निक कोर्स, जहाँ से बच्चे अपना मेमोरी पावर बहुत शार्प कर रहे हैं और जल्दी याद करने का टेक्निक सीख रहे हैं। हाँ तो अगर आप भी अपने बच्चों को याद कराने की कला सीखना या सिखाना चाहते हैं तो काइट एडुकेशन की वेबसाइट पर जाकर के मेमोरी टेक्निक कोर्स पे क्लिक करके अपने अकाउंट बनाइए और खरीद लीजिए उस कोर्स को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है, ज़्यादा नहीं, वो 299 का है। तो अब इतना ज़्यादा पढ़ाई पर खर्च किए तो थोड़ा स्किल डेवलपमेंट पर भी खर्च कर लीजिए। जिंदगी द्विघातीय समीकरण की तरफ बैलेंस करके चल रही थी कि अचानक पाइथागोरस नाम का वायरस हमारी दुनिया उजाड़ने लगा। इसके सवालों में कभी मीनार पर सीढ़ी लग जाता था, कभी पेड़ आधे से ही टूट कर झुक जाता था, कभी खंभा टूट जाता था। फ्यूचर का टेंस ना प्रेजेंट में आकर टेंशन देने लगा था। बोर्ड नामक परीक्षा की आग हमारी जिंदगी में धुआं सुलगाने लगी थी। जिंदगी अब कछुए और खरगोश की कहानी से निकलकर एक नई कहानी लिख रही थी जिसका अंदेशा किसी को ना था। कहते हैं कि टीनेजर में टीन गोल्ड की तरह होता है, चाहे तो आप सोकर बिता लो या फिर सोना बना लो। तब की बेपरवाह सी हंसी अब समझदारी में खामोश हो चुकी थी। अब तो बस जीवन का इम्तिहान था जो कभी खत्म होने वाला नहीं था। बोर्ड का एग्जाम एक छोटे से बच्चे को कब सयाना कर देता है पता ही नहीं चलता।
कभी कागज पर पेंसिल से फोटो बनाने वाले जब खुद के एडमिट कार्ड पर अपना फोटो देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जिंदगी का एक बड़ा सा हिस्सा तेजी से गुजर गया हो, जिसका रिजल्ट बस आने ही वाला है। इंटर की सरसराहट और ग्रेजुएशन की फरफराहट स्टूडेंट को बड़ा मैच्योर बना देता है। बढ़ती उम्र के दबाव और तनाव में एक स्टूडेंट नहीं बल्कि मल्टीटास्किंग स्प्रिंट हो जाता है, जिसे हर बॉल पर एक एक रन लेना कंपलसरी हो। अब और तब के दौर में बस यही रहा कि तब एम्बिशन नहीं था और आज एम्बिशन है तो वो दौर नहीं। आँख मिचौली करने वाली इन आँखों ने अब वो दौर नहीं देखा जब बस ऐसे ही इन आँखों में सपने आ जाया करते थे। गलियों की हड़बड़ाहट और पैरों की आहट अब बस स्थिर हो चुकी। बचपन और 20 में 21 का अंतर होता है, जहाँ उम्र के 22 होते ही जिंदगी काल्पनिक एक्स की तरह इमेजिनरी लगने लगती है। ए फॉर एप्पल, वी फॉर बॉल जिंदगी का सबसे खूबसूरत समय था, जहां ए भी अपना था और बी भी अपना था। अब तो ए से लेकर जेड तक के सारे लेटर भी मिलकर जिंदगी के मैटर को सॉल्व नहीं कर पाते। बचपन तो आज भी जिंदा है साहब, पर जमाने के इस जिम्मेदारी में फिर वैसा बचपन कभी नहीं देखा। और आज भी मन करता है कि जाकर बैठ जाऊं क्लास के उस अंतिम वाली बेंच पर, जहां से जिंदगी आगे बढ़ गई और हम फिर वापस ना आ सके। आज भी मन करता है कि जाकर लगा लूं ब्लैक बोर्ड की वो चाक अपने गालों पर, जो कभी बस ऐसे ही वाइट शर्ट पे लगाया करते थे। आज भी मन करता है कि जाकर मिल लूं उन दोस्तों से बस एक बार, जिनसे कभी मिला नहीं करते थे थोड़ी थोड़ी सी नाराजगी। और सच कहें तो ये थोड़ा थोड़ा सा ही पूरा हो जाए ना, तो फिर कोई मलाल नहीं रह जाएगा कि जिंदगी में कुछ अधूरा सा रह गया हो।